है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की अपील की गई है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र से ही उन्होंने नई मांग रख दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इनकी बेस प्राइस कम करे, ये कम होगी तो बिहार में पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे। बता दें कि बिहार में करीब 56 रुपए पेट्रोल का बेस प्राइस है, जबकि झारखंड में 51 रुपए बेस प्राइस है। पेटीएम ई कॉमर्स के स्वामित्व वाले पेटीएम मॉल का मेरा कैशबैक सेल ऑफर दुकानदारों के लिए काफी फायदेमंद रहा। कंपनी की माने तो इस सेल से 10 शहरों के 75 से ज्यादा दुकानदारों ने 1 करोड़ रुपए में ज्यादा की बिक्री की। अब कंपनी को उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन के आने वाले दिनों में उसकी सेल में 5% की बढ़ोतरी होगी। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पहली बार अपनी विमानन रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कंपनी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया में खरीदारी पर गौर कर सकती है, क्योंकि सरकार उसमें विनिवेश करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसी दो विमानन कंपनियों का परिचालन नहीं करना चाहिए जिनके पास महज 15 से 20 विमान मौजूद हैं, क्योंकि कारोबार को बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिकी शिक्षाविद रिचर्ड थ्रेलर को इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। पुरस्कार का ऐलान होने के बाद उनका नाम सोशल मीडिया पर छा गया। इसकी एक बड़ी वजह थ्रेलर का नवंबर में दिया गया एक बयान भी है। बता दें कि भारत में नोटबंदी का ऐलान होने के बाद उन्होंने इसका समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया था। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज कराया है। सेबी का आरोप है कि ग्रुप एमबी वैली की नीलामी में दखल दे रहा है और नीलामी की प्रक्रिया में रुकावट डाल रहा है। सेबी ने ये केस ऐसे समय में किया है जब सितंबर में सुप्रीम कोर्ट नीलामी की इजाजत दे चुका है। वहीं सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय ने कहा है कि उन्होंने लगभग सभी निवेशकों के पैसे चुका दिए हैं। रिलायंस जियो अपना पेमेंट बैंक दिसंबर से शुरू कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस मिलने में हो रही देरी के कारण इसकी अक्टूबर में होने वाली लॉन्चिंग को टाल दिया गया है। इसी साल मार्च से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जियो जल्द ही अपने पेमेंट बैंक को शुरू कर सकता है। इस साल दिवाली पर लाइटों की झालर, गिफ्ट आइटम, दिए और अन्य सामानों की बिक्री पिछले साल की तुलना में 40-45% कम होने का अनुमान है। इसकी वजह भारतीयों द्वारा मिट्टी के दिए जैसे घरेलू उत्पादों की तरजीह देना है। बता दें कि पिछले साल दिवाली पर चीनी उत्पादों की बिक्री में 30% की कमी आई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत की मॉल एंड सेवा कर जीएसटी को अपनाने की राह लगभग निर्विघ्न रही है और ये गलत जानकारी रखने वाले विपक्ष के इसे बेपत्ती करने के कई प्रयासों के बावजूद हुआ है। जेटली ने इन दिनों एक सप्ताह की अमेरिका यात्रा पर हैं। यहाँ वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वी बैंक की वार्षिक बैठक में शिरकत करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इन दिनों आर पार की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी गुजरात में घूम घूम कर मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा वार कर रहे हैं, तो अब बीजेपी ने भी राहुल को उनके घर से ही घेरने की रणनीति पर काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक चीनी मिल में गैस रिसाव की वजह से 300 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। दो स्कूल के बच्चे इस गैस रिसाव के शिकार हुए हैं। एक खबर के मुताबिक गैस रिसाव में 30 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीमार बच्चों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। चीनी मिल से कौन सी गैस का रिसाव हुआ है इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।